देश के ख्यातनाम ज्योतिषी मुकेश पनिया ने एक प्रश्न कुंडली के आधार पर कोरोना वायरस के खात्मे की भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया कि इस वायरस पर अंकुश 13 अप्रैल 2020 के बाद लगना शुरू हो जाएगा और 28 मई 2020 तक संपूर्ण विश्व को इस वायरस से मुक्ति मिलेगी। मुकेश पनिया ने कहा कि 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण के दिन इस वायरस की नींव पड़ी थी, वहीं 24 जनवरी 2020 को शनि ग्रह के मकर राशि में प्रवेश के इसके प्रकोप में बढ़ोतरी होने लगी। वहीं गुरु के मकर राशि में विचरण से इस महामारी पर अंकुश लगने के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। नमस्कार, मैं मुकेश पनिया, आस्क एस्ट्रो कंसल्ट। आज एक जो परिचर्चा चल रही है कोविड-19 वायरस जो है पूरे विश्व के अंदर जो है महामारी फैलाए हुए है और इंडिया भी इसके पूरे चपेट में है और पूरा इंडिया आज लॉकडाउन है। जैसा कि इंडिया में ज्योतिष परामर्श काफ़ी लोग लेते हैं, ज्योतिष का अभी भी काफ़ी जो है यहाँ पे रहता है लोगों में, तो इसी के तहत जो है काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि ये जो महामारी आई है कब जाएगी, प्रश्न किया। प्रश्न के अनुसार जो है उसमें आया था मेरे 28 मई 2020 को करीब जो इसका अंत होना है या बिल्कुल इसमें थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा। अब ये लोग पूछते हैं कि आखिर हुआ क्यों, ये ऐसा क्या हुआ ग्रह गोचर में जो ऐसी महामारी आई। जहां तक मेरा विवेचन है कि ये इसका बीज जो है करीब 26 दिसंबर 2019 को जब सूर्य राहु का ग्रहण पड़ा था उस समय इसका बीजारोपण हो चुका था और जब जब प्लैनेट चेंज हुए, जैसे शनिदेव चेंज होकर 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में आए तो इसका उजागर हुआ, पूरे वर्ल्ड को मालूम चला कि ये कोरोना नामक जो वायरस है बड़ा ही डेंजरस है और ये महामारी फैला रहा है, तब दुनिया चेती और ये रोग आया क्यों। मंगल, केतु, गुरु ये ग्रह जो है धनु राशि के अंदर साथ में थे, सामने से देख रहे हैं आद्रा नक्षत्र से राहु। मंगल केतु है पापक ग्रह, इनका काम है रोग की उत्पत्ति करना या पाप फैलाना, और गुरु बृहस्पति जो धनु राशि में स्वयं की राशि में है, बट गुरु की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो व्रत करते हैं हर जिसके साथ बैठते हैं,